देखो कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। तो अब चलते हैं इसमें, डाटा था वापस से इसमें डालेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ सुबह से मेरे साथ क्या हुआ। आज सुबह का इंसिडेंट बताऊँ, आज मैं उठा बहुत ही ज़्यादा लेट। मैं सोच रहा था 6 बजे उठूँ बट आज हो गया, बिकॉज सोया ही रात में था 2 बजे करीब। तो ऐसा क्या हुआ, तो गाइस हम आज उठे ठीक 9 बजे सुबह में। 9 बजे उठने के बाद मेरा क्या हुआ कि उठते ही आ रहा है कि भाई ऑफिस तो जाना ही है, आज लगता है ऑफिस पहुँचूंगा। बट ऑफिस जाने के लिए मैं तैयार हुआ हुआ, टाइम हो गया नाश्ता वास्ता करते करते 9:30 बजे मैं निकला ऑफिस। तो उधर से कॉल आता है, ऑफिस निकल गया और फिर ओवरब्रिज पे भी पहुंच गया। ओवरब्रिज पे पहुंचने के बाद मुझे फ़ोन आता है, भाई आज आपका छुट्टी है, इतना लेट करोगे, नहीं आना है, कल से टाइम पे आना। तो ठीक है, तो इतना दिन से छुट्टी मैंने लिया था बट आज छुट्टी हो गया। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मुझे इसमें से डाटा निकालना है, बिकॉज आज हम इसमें करवाएंगे अपना सॉफ्टवेयर अपडेट। अपडेट इसलिए करवा रहे हैं, अपडेट नहीं करा रहे, डाउनग्रेड करा रहे। क्यों? क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर है ना बहुत ज़्यादा इशू कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा है हमें। बिकॉज बैटरी मैं इसका 2 बार चार्ज करता, दिन भर में 2 बार चार्ज करता हूँ, फिर भी बैटरी खत्म। इसमें जितना ही फाइल है इसका फाइल कन्वर्ट करके इसमें डालना है, जो कि मेरा बच जाए, नहीं तो फिर इसमें सॉफ्टवेयर जैसे करेंगे तो ये सब उड़ जाएगा। तो हमें इसमें से और इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारा जो इस मोबाइल का है सेटअप पूरा पूरे निकाल चुके हैं। तो देखो अभी कुछ नहीं रहेगा इसमें, देखो कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। जितना भी फाइल्स था लैपटॉप में डालने के लिए बैठे थे 11 बजे, अभी 12:50 हो रहे हैं। तो समझ रहे हो बात कितना ज़्यादा टाइम लग गया। मेरा कुछ ज़्यादा भी फाइल नहीं था, ज़्यादा ज़्यादा फोटो और वीडियो था और कुछ नहीं था, तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अब चलते हैं। हमें लेट हो चुका है बहुत ज़्यादा, बिकॉज कॉपी ही करने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना, फाइल को निकालते ही इतना टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है फाइल को। कॉपी करो अपना मोबाइल से लैपटॉप में और लैपटॉप से कॉपी करने के बाद अब जा रहे ओप्पो के, और ओप्पो केयर हमारा है बिनोदपुर में, बिनोदपुर के बगल वाले गली में, वहीं पर जाएंगे। कभी तो गए नहीं है केयर वगैरह, बट फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ केयर ओप्पो का। और मैंने गूगल में देखा था थोड़ी देर पहले कि कहाँ पे है, तो मेनली वहीं बताया गया। हमें जाना था उस रोड में बट अब हम आ गए हैं इस रोड में, तो इधर से घूम के जाना पड़ेगा हमें वहाँ तक। सो गाइस ओप्पो केयर इसी गली में बोला गया था। तो गाइस अभी जस्ट पहुँचा और बोला गया कि हमें बैठने, बिकॉज दो कस्टमर बैठे हुए हैं, पहले ही उनका चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बाद हमारा चेक करेंगे। हमने अपना मोबाइल दे दिया और हमारा बोला गया है कि आधा से 1 घंटा लगेगा। तो अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो फाइनली हमारा फ़ोन बन चुका है और देखो सॉफ्टवेयर करने के बाद एकदम न्यू हो गया, एकदम ब्रांड न्यू। हमारा जो ये सॉफ्टवेयर वाला काम है वो हो चुका है और टाइम लग गया कम से कम आधा घंटा लगा। भैया बोले 1 घंटा में देंगे बट भैया बहुत जल्दी ही कर दिए, देखे बहुत जल्दी ही फास्ट में काम किए। तो अभी बज रहे हैं 2:05 और हमें उस टाइम में आए थे तो 1:35-40 करीब करीब हो रहा था, तो बहुत जल्दी ही काम हो गया। बट देखते हैं अब घर जाकर सेटअप करना पड़ेगा। केयर वाले भैया बहुत अच्छे थे, बहुत जल्दी काम करके दे दिए। ओप्पो वाले भैया तो सही है, बट कैमरा में मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, ब्लर लेसन कम हो रहा था, उसके बाद कलर कॉन्ट्रास्ट भी मैच नहीं कर पा रहा था। बट अब देखेंगे अब सही हो गया होगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा कहीं पर रेडनेस कर देता था, कभी येल्लो या कहीं मतलब ये नहीं कर पाता था, चेक नहीं कर पाता था कहाँ पे कौन सा कलर सही से बैट मैच कर रहा है, वो भी नहीं कर पाता था। तो अब देखते हैं इसका कलर मैचिंग सही हो जाए, बिकॉज एंड्रॉयड 11 सही था, एंड्रॉयड 12 जैसे आया ना बहुत ज़्यादा कचरा फैला दिया भाई, पूरा पूरी कैमरा का पूरा पूरी कचरा कर दिया था। तो अब देखते हैं एंड्रॉयड 11 हो गया फिर से, और अभी का सीन ऐसा है कि अब चेक करेंगे घर जाकर, और जितना भी सेटिंग है वो भी सब ओके करना पड़ेगा, बिकॉज जितना भी निकाले उसका पूरा पूरी डाटा फिर से रिस्टोर करेंगे, बिकॉज बहुत काम कर जाता है मेरा, उसको रिस्टोर करना तो बनता है भाई। घर जाके पहले उसको रिस्टोर करेंगे, उससे पहले भाई जाके खाना खाएंगे, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, पहले खाना खाएंगे उसके बाद रिस्टोर करेंगे, मेरा दिन इसी में बीत जाएगा। उस टाइम में आया है बहुत ज़्यादा भूख लग गया था और शाम के बज रहे हैं देखो 18:37, मतलब कहने का 6:37 हो चुका है। और मुझे दिक्कत यह आई ना कि आज गए थे इसका सॉफ्टवेयर कराने, सॉफ्टवेयर कराने के बाद इतना ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता भाई, कितना ज़्यादा खुशी हो रही है इसका देख के कि हाँ सॉफ्टवेयर होने के बाद एकदम लग रहा है कि लाइट फील हो रहा है, एकदम लग रहा है कि हाँ एकदम सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और कैमरा भी इम्प्रूव, एंड्रॉयड 12 होने के बाद कैमरा बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम कर रहा था, आता है जो कि वीडियो सेक ही ना होने दे उसके लिए ऑन करना पड़ता है, तो वो वाला प्रॉब्लम कर रहा था। जैसे कैमरा करते थे ऑन, वाइब्रेट करने लगता था बहुत ज़्यादा ही बहुत तेज में, तो ये वाला प्रॉब्लम लगता है अब सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज पहले वाला अपडेट में नहीं था। वापस आने के बाद इसमें जितना भी डाटा था वापस से इसमें डालेंगे फिर से, तो जल्दी जल्दी डालते हैं। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के, तो 11:12 हो चुके हैं और अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले खाना खाया, आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा, अभी फिर से भूख लग गया। तो ऐसा भाई 2-3 दिन से मेरे साथ यही हो रहा है कि बार बार खाना खाता हूँ रात को भी, या दोपहर में तो नहीं होता, बट रात को क्या होता है कि खाना खाते ही भूख लग जाता, लगता है कि अभी जस्ट खाया फिर से भूख लग गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, बट जाएंगे डॉक्टर को दिखाएंगे कि क्या है ऐसा हो रहा भाई, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आप लोग को मालूम है तो कमेंट जरूर करना क्यों ऐसा हो रहा है। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप कि ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके बाय।